मिठा चारा फिर मैंने सिखा पदंग समाधियां। जी परिहार सर, सर आपका कंसेप्ट है नवोदय जय भीम। हम 5 मई 2021 से विदा पीपल, हम भारत के लोग, समण संघ इसको लगातार सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट साथियों को पसंद आ रहा है। कॉन्सेप्ट दो शब्दों का है, जुड़े और जुड़े। साथी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में जो परंपरा हम भूल गए थे उसको जो निकाला गया है झाड़ पहुंच कर, उसमें जो समझने की प्रक्रिया है उसको कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी समझने की प्रक्रिया इतनी ज्यादा मंद है कि हम जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को एक रास्ता दिखाया था उस पर इस देश में हम लोग पीएचडी कर रहे हैं, और हमारी पीएचडी इस बात पे हो रही है कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया था वो ठीक था या गलत था, हम उसे माने या ना माने, हमारे गुलाम होने का, हमारे इस स्थिति में आने का जो कारण है वो भी हम हैं और जो निवारण है वो भी हम हैं। क्योंकि विदा पीपल 70 साल में एक नशे में था, एक इस तरह के भ्रम में था कि जो भी बाबा साहब के नाम पर विदा पीपल के पास में आया उस विदा पीपल उसके साथ में सहयोग करने को खड़ा हो गया, बगैर ये जाने, बगैर ये सोचे, बगैर ये समझे कि वो जो भी लोग आए हैं वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, विदा पीपल ने उनका सहयोग किया। लेकिन कुछ सालों से और स्पेशली 5 मई 2021 से विदा पीपल ने उन सभी लोगों का सहयोग करना पूर्णतया बंद कर दिया है जिन्होंने 70 साल में जो बाबा साहब ने हमें 3 जगह इकट्ठा किया था 6,743 जातियों को जोड़ करके, उन्हें पुनः जोड़ने के लिए हमारे बीच में लोगों ने संगठन बनाए जिनकी संख्या 29 लाख बताई जाती है, जिसमें से 4 लाख एक्टिव बताए जाते हैं। तो विदा पीपल को समझ में आया कि ये लोग हमें जोड़ रहे थे या तोड़ रहे थे, और जो अधिकार मिले थे वो क्यों गए, ये बात समझ में आई। तो फिर चीज निकली हमारे साथियों के प्रयास से, संघर्ष से, अध्ययन से, कि हमारे जो इतिहास में सारी वो चीजें थीं जिसको अगर हम संवार के रख पाते, जिसका हम अनुपालन कर पाते, तो शायद इस देश की स्थितियां ऐसी नहीं होती जैसी आज हैं। समण संघ, इसमें बार बार बताया जाता है इसका कोई मालिक नहीं होता। जैसे हम कंपैरेटिवली बात करते हैं संगठन की, संगठन का एक मालिक होता है, समण संघ का कोई मालिक नहीं होता, इसका मालिक स्वयं समण संघ ही होगा। संघ में कोई नेता न था, न है और न होगा। हम व्यक्तिवादी होने के इतनी आदी हो गए हैं कि हमें नेता की आवश्यकता हमेशा पड़ती है, क्योंकि जितना नाकारापन हमारे अंदर है, जो काम हमें करना है उस काम से बचने के लिए हम नेता की तलाश कर लेते हैं और अपना काम उसके कंधों पर रख करके अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। तो फिर बाद में हम कहते हैं कि हमें धोखा मिला, हमने जो सोचा वैसा हुआ नहीं। समण संघ में निर्णय सामूहिक रूप से बहुमत के आधार पर लिया जाता है और सभी साथी उसे लागू करने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं। इसमें मंच और माला का कोई स्थान नहीं है। समण संघ कभी आम आदमी से पैसे न लेगा, न लिए हैं।
और इस समण संघ का कभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, ना इसका कोई खाता खुल सकता है, ना इसका कोई पेटेंट हो सकता है। ये कुछ बातें हैं जो हम लगातार डिस्कस करते हैं और ये बड़ी साथियों को बड़ा पसंद आती हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना पसंद आता है कि लोग इस पे निरंतर 1 से 1.5 हजार लोग रोज पोर्टल पर जुड़ते हैं। लेकिन अभी समझने की प्रक्रिया, समझने की गति इतनी धीमी है कि लोग स्वयं आगे आकर के ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं या हम जो भी कार्य समण संघ का है उस कार्य करने के लिए अपना 5% समय, 5% संसाधन और 5% अर्थ और 5% जो हमारी बुद्धि है वो हम देने को तैयार हैं। बहुत कम साथी गिने चुने उंगलियों पे हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन यह नाम नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं, मेरे लिए समण संघ वी द पीपल प्राइम ऑब्जेक्ट है, मैं उसमें अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। उन साथियों के बल पर, उनके त्याग के बल पर अभी हम यहां तक आए हैं। तो जो विसंगतियां 70 साल में हुई उनको दूर करने के लिए जो प्रयास अभी तक हो रहे हैं वो एक तरफ से देखे जाए, इतिहास को देख करके तो बहुत बड़े प्रयास हैं, लेकिन समय को दृष्टिगत रखते हुए जो समय हमारे पास है, क्योंकि समय की इतनी ज्यादा कमी है, हम बहुत देर से इस बात को जान पाए हैं कि हमें करना क्या था और कर क्या बैठे, बीमारी बहुत बड़ी हो गई है। तो अब उसको दूर करने के लिए, उसको काटने के लिए बीमारी को, हमें काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। जिन जिन साथियों की PhD कंप्लीट हो गई है, जो विदा पीपल समण संघ के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, जान गए हैं, उन सबसे रोज अनुरोध किया जाता है कि अपना नंबर भी छोड़ें, अपने आप को स्पोक्स प्रपोज करा दें। अगर कोई साथी नहीं बोल रहा, स्वयं आकर आए आकर आगे आकर के और ये बताएं कि हम जो है वो विदा पीपल के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, उनको स्पोक्स के रूप में तुरंत उनका प्रमोशन हो जाता है, हो जाएगा उनके एक बार कहने पर। और वो साथी जो विदा पीपल में वास्तव में समण संघ में काम हो रहा है, उस काम की मुख्य धारा में एडमिट हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे और फिर वो अपने काम में लग जाएंगे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि समण संघ विदा पीपल में कोई किसी को आदेश नहीं देगा, कोई किसी को निर्देश नहीं देगा, स्वेच्छा से आकर के अगर जिस जिसको लगता है कि वो अपना प्रतिभाग, या उसे लगता है कि मेरे ऊपर कर्ज था, ये जो बाबा साहब ने अधिकार दिए थे, जिन अधिकारों के बल पर मैंने अपने जीवन को आसान बनाया, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, और मुझे भी मेरे ऊपर कर्ज है कि मैं जिन विदा पीपल के संख्या के बल पर मुझे वो अधिकार मिले थे, उनको उस कर्ज को वापस करने के लिए मुझे अपना योगदान देना है। उस रूप में वो सारे साथी बिल्कुल निसंकोच रूप से मान लें कि कहीं किसी भी प्रकार से अगर आप खोजते हैं इसका कोई मालिक होगा, आप देख लीजिए आप असफल हो जाएंगे, आप खोजते हैं इसका कोई नेता होगा, आप खोज के देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने खोज के देखा है, नहीं मिल पाएगा, आप खोज के देख लीजिए इसमें कहीं कोई अगर ऐसा अवगुण पाया जाता है, ऐसा कोई कोई गलत अवधारणा कहीं मिलती है, तो हम पोर्टल पर भी अनाउंस करते हैं लगातार 10.5 महीने से कि आप आके बताएं कि इस कॉन्सेप्ट में अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है जिसको चेंज कर सकते हैं, या ऐसा लगता है इससे अच्छा कोई भी साधन हमारे पास आज है इस देश में अपने आप को बचाने का, अपने बच्चों को बचाने का, यहाँ अगर हमें ऐसा लगता है तो हम अपनी बात को रखें, आके बोल्डली रखें और तर्क और वितर्क के आधार पर रखें, ताकि हम कम से कम ये समझने में कामयाब हो जाएं कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है। सही है तो चलें, और अगर लगता है सही नहीं है तो अपना रास्ता बताएं। लेकिन सभी साथी इस देश के और जो एब्रॉड के साथी भी जुड़े हैं, जो लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, उनसे अनुरोध है इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि वो अपना जितना भी समय, संसाधन, जीवन में जो भी कुछ है उनके पास, वो अगर लगाना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, तो सक्रिय रूप से तुरंत स्पोक्स के रूप में आगे आएं और कार्य करना शुरू करें और स्वयं डिक्लेयर करें
ये मान करके कि समण संघ में सब बराबर हैं, पुराना नया पहले वाला बाद वाला इसका कोई महत्व नहीं है, केवल कार्य के आधार पर पहचान है यहां पर, और उस कार्य के आधार पर जो पहचान है वो बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी हमारे काम का डेटा नहीं रखा गया इस देश में, इस बार डेटा तैयार हो रहा है, कौन व्यक्ति कब जुड़ा, उसने कितने व्यक्तियों को जोड़ा, जोड़ने में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसने कितनी फिजिकल मीटिंग लगवाई, उसने समण संघ में जोड़ने के लिए किस किस तरह के उपायों का आयोजन किया, उनको यहां पर इंप्लीमेंट किया, ये सारी चीजें अब पॉइंट आउट होती हैं, लिखी जाती हैं, और उसको हम हर संडे को, दूसरे और चौथे संडे को प्रोग्रेस के रूप में सामने रखते हैं कि 10.5 महीने में हमने किया क्या है। तो जब उस प्रोग्रेस को रखते हैं तो उस प्रोग्रेस में एक चीज आती है कि जो हमारे नंबर ऑफ स्पोक्स हैं उनकी संख्या लगभग 1000 हो चुकी है, क्योंकि 900 कुछ स्पोक्स हैं। हम 6 कंट्रीज में अब तक जा चुके हैं, हमारे साथी जो समर संघ विद द पीपल में पूरी तरह से आस्था विश्वास रखते हैं वो 6 देशों के साथी जुड़ते हैं रोजाना। उसके बाद हम 18 स्टेट्स में लगातार हमारे साथी जो है यहां से जुड़ रहे हैं। 165 डिस्ट्रिक्ट तक विद द पीपल समर संघ रोजाना जाता है, रोजाना वहां तक वीडियो के रूप में, बातों के रूप में, ऑडियो के रूप में, हमारे साथियों के जो भी वर्जन होते हैं उनके रूप में वहां तक हम रोजाना जाते हैं। ये सारी बातें हमें समझनी होगी जब हम अपने आप को कहीं रखेंगे। कुछ कोटेशन बाबा साहब ने हमेशा बहुत सारे साथियों 70 साल में बोली हैं, बताई हैं, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। ये बात हम खुद समझ लें या अपने देश के उन विदा पीपल, उन 70 से 80% लोग हैं जिनको आज 2 वक्त की रोटी कमाने में अपना सुबह से शाम तक पूरा वक्त लगाना पड़ता है, उनको समझाएं, क्योंकि समझाना हमें था, हम समझाने में 70 साल में सफल रहे हैं। इसलिए जो समस्याएं हैं वो बड़ी हैं, और उस समस्याओं को जो बड़ी हैं उनको दूर करने के लिए भी हमारे द्वारा ही प्रयास होगा, विदा पीपल के द्वारा ही प्रयास होगा, और वो प्रयास प्रारंभ हो चुका है। उस प्रयास के प्रारंभ में जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं के समाधान के विषय में भी हमारे सभी साथियों ने मिलकर के प्रयास किए हैं, मिलकर के रास्ते जुटाए हैं, क्योंकि अभी 10.5 महीने में ये बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूव हो गया है कि हमारी लड़ाई इस देश में खुद से है, किसी दूसरे से नहीं। हम स्वयं इतने ज्यादा बुद्धिमान, इतने ज्यादा समझदार हैं कि हमें किसी छोटी सी लाइन पर चर्चा कराने के लिए बिठा दिया जाए तो पूरी रात निकल जाएगी, पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन हमारी चर्चा खत्म नहीं होगी। अगर हमें इस चर्चा पे लाया जाए कि आपके कितने साथी जुड़ चुके हैं, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, अगर इस पर चर्चा कराई जाए तो 10 मिनट से कम में 1000 लोगों की चर्चा फिनिश हो जाएगी, क्योंकि कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। लगातार 10.5 महीने से ये पूछने, ये सब बताने और ये समझने की कोशिश हो रही है कि जो भी रास्ते हमारे पास जोड़ने के हैं वो कौन कौन से रास्ते हैं, किस रास्तों से लोगों को जोड़ा जा सकता है, किस तरह से हम इस कार्य को कर सकते हैं। इसमें एक फार्मूला 1+10 का जो है वो हाउस से पास हुआ था, उस फार्मूले पे कुछ ऐसे साथी जिनको अभी जानकारी भी नहीं है, आज भी सुबह मीटिंग हो रही थी, इसमें बहुत सारे साथियों को कुछ समस्याएं आ रही थी तो अपने अपने सुझाव रख रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे जोड़े जाएं, ऐसे नहीं ऐसे जोड़े जाएं, तो एक फार्मूला पास हुआ 1+10। अगर हम अपने आप को इस कॉन्सेप्ट के प्रति जोड़ चुके हैं और हमने लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया है तो हमारा गिनती स्पोक्स में हो चुकी है, और अगर हम स्पोक्स बन गए हैं तो हमारा प्रथम प्रयास और जो प्रथम हमारा स्टेप है वो है अपने जैसे 10 साथियों को इससे जोड़ना, समण संघ से जोड़ना। अगर हम 10 साथियों को इससे जोड़ लेते हैं तो फिर हमारा प्रयास है उसके बाद में कि अपने उन 10 साथियों के साथ इसी तरह के 10-10 और साथियों को जोड़ने में मदद करना, प्रयास करना, कोशिश करना, क्योंकि जिसको समण संघ का कॉन्सेप्ट जितनी अच्छी तरह से आ चुका है वो साथियों को जोड़ने में उतनी ही अच्छी तरह का प्रयास कर सकता है। तो ये 1+10 का फार्मूला अभी तक हमारे बीच में केवल 20 से 22 लोग पूरा कर पाए हैं, उनके भी 10 के 10 एक्टिव स्पोक्स नहीं है, बल्कि बहुत कम है, वो एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए समस्याएं बहुत आ रही हैं,
लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में काम करने वाले साथियों की संख्या उतनी नहीं है जितने हमारे पास काम हैं। तो इस आज ये भी अनुरोध मैं करता हूं सभी से कि ऐसे बहुत सारे साथी जो बाद में जुड़े हैं, जो केवल जुड़ते हैं, जो अभी स्पोक्स नहीं बन पाए हैं, वो अपने आप को स्पोक्स बनाएं, और स्पोक्स बनाने के बाद में जिस कार्य को भी करना चाहते हैं उस कार्य में आगे बढ़ करके योगदान दें, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं हमें 70 साल पहले से शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन तब शुरू नहीं हो पाई। बाबा साहब ने हमेशा कहा है 70 सालों में कितने नेता बने हैं, तीन बात बोल करके बाबा साहब ने कहा, बी एजुकेट, बी ऑर्गेनाइज एंड बी एजिटेट। इन सूक्तियों को, इन शब्दों को, जो बाबा साहब की कोटेशंस हैं, उनको पढ़ पढ़ के, उनको बोल बोल करके हमने इतने सारे नेता पैदा कर दिए हैं, और हम उससे बड़ी अच्छी अच्छी तालियां बजाते हैं, लेकिन क्या हम देखते हैं कि जो ऐसा बोलते हैं उनके चरित्र में, उनके व्यवहार में वो सारी बातें हैं? अगर वो सारी चीजें नहीं है, क्योंकि हम एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि सबसे पहले अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हमें सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, स्वयं का एनालिसिस करना पड़ेगा, और हम, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो मेरा एनालिसिस है, कि हम सेल्फ एनालिसिस में बहुत पीछे हैं। सेल्फ एनालिसिस में अगर पीछे नहीं होते तो हम अब तक अपना एनालिसिस कर पाते, और हम अपने काम को खोज पाते, और अपने काम को करने में अपनी गति, अपना समय, अपना जो भी कुछ हमने सोचा था, समझा था, जो भी बाबा साहब के वक्तव्य को, आदेश को, जो भी निर्देश को हमने समझा था, जिस प्रकार से प्रियम्बिल में उन्होंने क्लियर कट कहा है समानता, भाईचारा, बंधुता, क्या हम उसको स्थापित कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो क्या समण संघ में स्थापित है? ये हमें कुछ अंतर देखने पड़ेंगे कि हमने अब तक जो प्रैक्टिस की थी उसमें, और जो अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं समण संघ के रूप में, अपने आप को जोड़ने की, अपने आप को इकट्ठा करने की, वहां कहां कहां गलती कर रहे हैं और किन किन कार्यों को अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। अगर हम इस पर अपना दिमाग लगाएंगे और केवल जोड़ने में विश्वास करेंगे, और कहीं हमें लगेगा कोई व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति की पैरवी हम कर रहे हैं, उससे बचेंगे, क्योंकि जिस दिन हम समण संघ में किसी व्यक्ति को नेता बना देंगे, किसी व्यक्ति को इसका मालिक बना देंगे, किसी व्यक्ति को सर्वोपरि बना देंगे, उस दिन समण संघ विदा पीपल हमारे बीच से खत्म हो जाएगा, और हमारे पास में यह अंतिम रास्ता, अंतिम विकल्प भी हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए जितने भी साथी, वरिष्ठ साथी हैं, चाहे नए साथी हैं, चाहे पुराने साथी हैं, सभी साथी अपना टैलेंट, अपनी बुद्धि, अपनी समझ इस बात पे लगाएं कि इस समण संघ में किसी व्यक्ति को पैदा ना होने दें, किसी व्यक्ति को नेता ना बनने दें, किसी व्यक्ति को आगे ना बढ़ने दें, बल्कि अपने काम के आधार पर, हम जितना काम करते हैं उस काम के आधार पर हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, हम अपना योगदान दें, ताकि हमें कम से कम इस जीवन में अपना सांस बंद करने से पहले ये कम से कम रहे कि हमने अपने हिस्से का काम कर लिया। क्योंकि अभी तक तो हमें रास्ता ही नहीं मिला था काम करने का, जहां जहां भी हम लोगों ने काम किए वहां से हम सेटिस्फाइड नहीं थे, वहां से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वहां के परिणाम वैसे नहीं आए जैसा हमने सोचा था। क्योंकि अगर परिणाम वैसे आ जाते तो हो सकता हमें भी लगता हमने भी काम किया है, लेकिन अब जहां हम काम कर रहे हैं यहां हमें लगता है कि परिणाम यहीं से आएगा, 100% आएगा, इसमें किसी भी प्रकार का संशय किसी भी साथी को कभी भी आकर के डिस्कस कर ले कि इसके परिणाम नहीं आएंगे, अगर किसी को ऐसा लगता है। क्योंकि समण संघ या संघ या विदा पीपल, किसकी स्थिति, भारत में जो संविधान बाबा साहब ने दिया है, इसमें पूरी पूरी रूप से जो भी गण राज्य की स्थापना की गई है उसमें गण, लोकतंत्र, विदा पीपल का स्थान सर्वोपरि है। ये पूरा का पूरा सिस्टम विदा पीपल के लिए है, लेकिन आज ये सिस्टम विदा पीपल के काम नहीं कर रहा, बल्कि विदा पीपल को किस तरह से नीचे और नीचे और नीचे ले जाने में मददगार हो रहा है। तो ये बाबा साहब की बात बिल्कुल सत्य हो जाती है कि संविधान को मानने वाले लोग जैसा होंगे वैसा ही ये संविधान साबित होगा। इसलिए हम संविधान की गलती बताते रहे या संविधान के मानने वाले गलती बताते रहे, क्योंकि उन सबको बनाने वाला केवल और केवल विदा पीपल है। तो विदा पीपल को अब ये समझ में आ गया है कि अब सबसे पहले विदा पीपल जोड़ने का काम कर लेगा, और जब जोड़ने का काम हो जाएगा तब ये सारे समस्याओं का स्थायी रूप से समाधान हो जाएगा। फिर हमारे बीच में ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी कि हमारे हाथ से बाहर हो, या हमारी कोई समस्या बनकर के हमारे सामने खड़ी हो,
क्योंकि अभी बहुत सारे साथी आते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के बड़ा उद्वेलित हो जाते हैं, बड़ा परेशान हो जाते हैं, जबकि वो समस्याओं का सभी का समाधान केवल केवल हमारे जोड़ने और जुड़ने में है। क्योंकि हमें जो कुछ भी प्योरीफाई करना है, जो भी कुछ फाइंड आउट करना है, जो भी गलतियां निकालनी है, वो हमें स्वयं के अंदर से निकालनी है। क्योंकि हम जो लॉज एंड ऑर्डर हैं, दोनों चीजें, कहा जाता है लॉज एंड ऑर्डर आर द मेडिसिन ऑफ द बॉडी पॉलिटिक्स, एंड व्हेन द बॉडी पॉलिटिक्स गेट सिक मेडिसिन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड। ये सारी जो दवाइयां हैं ये पहले से हमें मिली हुई हैं ये, लेकिन हमने उन दवाइयों का भी इस्तेमाल हमने कभी किया ही नहीं है। एक बात और कही थी बाबा साहब ने, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी। अब हम जब धम्म या धर्म की बात करते हैं, इस देश में कितने सारे लोग उसकी परिकल्पना को समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। उन सब चीजों में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए हो जाती है कि हम कम से कम पढ़े लिखे लोग, जो जिनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है, जिनमें से कुछ ने प्रयास किया था, उनके प्रयास सेटिस्फैक्टरी परिणाम नहीं दे पाए, तो अब कम से कम श्रवण संघ में जितने लोग जुड़े हैं, जो इसमें आस्था और विश्वास करते हैं और जो ये जानते हैं हर हालत में यहां से परिणाम मिलेगा, तो हमारा सभी जो भी साथी हैं, चाहे वो पुराने साथी हैं चाहे नए साथी हैं, उन सबसे ये अनुरोध भी है और ये लगातार प्रयास भी है कि जितनी भी टैलेंट्स है किसी भी प्रकार का, लोगों को जोड़ने में काम आ सकता है, उसको हमें तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए, बगैर ये इंतजार किए कि कोई और आगे आएगा, कोई और हमें बताएगा या कोई हमें होमवर्क देगा। ऐसा यहां ना कभी हुआ है ना कभी होगा, क्योंकि संघ में प्रत्येक व्यक्ति समान होता है, प्रत्येक व्यक्ति का विचार की जो है यहाँ महत्वपूर्ण होता है, और जब भी कोई निर्णय होता है उस विचार के आधार पर निर्णय होता है, उस सामूहिक बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। लेकिन एक कल्पना और है संघ में कि जब निर्णय हो जाता है तो उसको मानने के लिए हम सभी का प्रयास 100% तुरंत तभी से हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिन जिन व्यक्तियों की बातों को यहां पर मानी नहीं गई या हाउस में पास नहीं हुई, उन्होंने उनको पास कराने के बजाय, उनको पुनः प्रयास कराने के बजाय, अपने समर्थन में, उस बात के समर्थन में लोगों को इकट्ठा करने की बजाय, वहां उन पूरे समण संघ पर ही क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की है। तो वो बहुत सारे साथी हमारे बीच में आज नहीं है, कुछ पुनः आए हैं, तो ये सारी बातें हमें समझनी है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं। इतने ऐसे ऐसे सेंटेंस बाबा साहब ने लिखे हैं जो अगर हम एक एक सेंटेंस को अपने अंदर मर्ज कर लें, अपने अंदर एंटर कर लें, उसको समझ लें पूरी तरह से, तो शायद हमें देर नहीं लगेगी अपने हिस्से का काम करने के लिए। इस देश में एक और चीज हुई है, एक आदमी ने पूरा जीवन लगा दिया, दूसरा आदमी घर में बैठा रहा, तो बहुत सारे लोग घर में बैठ के आज तक 70 साल में अपने वीव देते रहे हैं, बगैर किसी प्रयास के, बगैर किसी अपने उपयोग के, बगैर किसी समर्थन के। तो इस तरह से भी काम नहीं चलने वाला कि हम घर में बैठ के हम ये बताते रहे कि ये सही काम कर रहा है ये गलत काम कर रहा। हमें आगे आना पड़ेगा और काम करेंगे तो गलतियां हमसे होंगी, और गलतियां सुधारने का समण संघ में नेचुरल रूल है, नेचुरल लॉ है कि स्वयं ही अपने आप गलतियों पे हम लोग जो है डिस्कस करते हैं, उनको सुधार लेते हैं, आगे नई नया हम नियम बना लेते हैं और नियम से हम चलना शुरू कर देते हैं। इन सारी चीजों को लेकर के हम लगातार इस बात पे बात कर रहे हैं, हम जोड़ेंगे और जुड़ेंगे, जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, और जिस जिस प्रकार से जुड़ेंगे उस प्रकार से जीतेंगे। तो हमें जुड़ने के काम को जितनी जल्दी गति दे सकते हैं, जितनी जल्दी हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि काम बहुत बढ़ रहा है, और काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, काम में रोल प्ले करने के लिए साथियों की संख्या बहुत कम अभी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं एक कमेटी के रूप में काम करता हूं, उसमें नेटवर्किंग कमेटी बोला जाता है, तो मुझे सारे डेटा मेरे सामने होता है, उसमें बहुत सारे साथी हमारे जो है वो स्पोक साथी योगदान देते हैं बढ़ चढ़ करके, तो हमें अभी कार्यकर्ताओं की, काम करने वाले लोगों की बहुत कमी महसूस हो रही है। तो जितने भी साथी हैं चाहे पोर्टल पे या हाउस में या चर्चा में, अपने नामों को अपने आप स्वयं आगे बढ़ करके आगे दें, ताकि हमें हमारे पास जो जो काम है रोजाना के वो पेंडिंग ना रहे, उन कामों को निरंतर आगे करते रहे। काम एक ही करना है, जोड़ना है, जुड़ना है, जुड़ेंगे जीतेंगे, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।